हेलो गाइस, मैं उदय चौधरी और भाई ये है अपनी टाटा सफारी 2012 मॉडल। इस शानदार गाड़ी को ओन करते हुए हमें 9 से 10 साल हो गए हैं और 2012 में दिसंबर में ली थी और अभी है अप्रैल 2022, तो 9 साल हो गए हैं, 10वां अभी रनिंग है। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना ओनशिप एक्सपीरियंस कि भाई इतनी तगड़ी गाड़ी इतने साल बाद भी कैसी है। नो डाउट बाकी भाई ये गाड़ी लेजेंड एसयूवी है उस टाइम की भी और आज के टाइम की भी। टाटा सफारी इज इक्वल टू अ लेजेंड। इस गाड़ी का रुतबा ही अलग है भाई, आज भी लोग इसे पलट पलट कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं बाहर से और क्या क्या चीज़ें इसमें अभी तक वर्क कर रही है नहीं कर रही है वो बताते हैं। तो फ्रंट से तो इसकी बढ़िया कंडीशन है, देखकर तो भाई लगता ही नहीं कि भाई ये इतनी पुरानी गाड़ी है। बाकी भाई इसका लुक तो एकदम तगड़ा है और लाइट्स तो इसकी अभी तक बढ़िया चल रही है, एक भी बार हमने बदला ही नहीं है। और इधर की तो पीली पड़ गई है, बाकी चल तो बढ़िया रही है, अभी इससे चलाएंगे भी सही। और पहले यहाँ पर बम्पर लगा हुआ था, हमने वो निकाल दिया है। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो इसमें तगड़ा मिलता है, कहीं भी हमने इसको कुदाई है नीचे से कहीं भी नहीं अड़ी है। और फॉग लैंप्स तो इसके ख़राब हो गए हैं। बाकी भाई फ्रंट से तो हमने इसकी कंडीशन अभी तक एक नंबर रख रखी है। और टायर्स पर चले तो एक बार हम चारों बदला चुके हैं और ये इसमें नए टायर्स लगे हैं, ये तो अभी ज़्यादा नहीं चले, 16 इंच के टायर्स है। और यहाँ 2.2 VTT डायकोर की बेजिंग है। इंजन के बारे में भी अभी बात करेंगे अपन। और ये इसका ORVM अभी भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और ये फुट रेस्ट, गाड़ी भाई इतनी ऊंची है कि फुट रेस्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही थी। और ये इसका साइड लुक एकदम मस्कुलर लगता है भाई, साइड से भी इसकी कंडीशन हमने अभी तक अच्छी रख रखी है। तो ये है गाड़ी की बैक प्रोफाइल, क्या ही मस्त लगती है, बैक से भी इसकी कंडीशन अभी तक अच्छी है। और ये जो टेलगेट पे ये कवर के साथ स्पेयर टायर देते हैं ना, ये लुक को और तगड़ा बना देता है। और टेल लाइट भी अभी तक बढ़िया वर्क कर रही है। और यहाँ नीचे सफारी EX की बेजिंग है, EX मॉडल है ये। और रियर बम्पर अभी तक हमने निकाला नहीं है, ये अभी तक लगा हुआ है। और ये VS4 इंजन है और डिफोगर भी इसमें है, रियर वाइपर भी अभी तक बढ़िया वर्क कर रहा है। और यहाँ गैप हो रखी है, नई नई गाड़ी को मेरे भैया ने रिवर्स लेते हुए ठोक दी थी, जब से ऐसा ही है। सही कराने के बाद भी ये बार बार ऐसा हो जाता था, गैप रहती थी, तो हमने इसे ऐसे ही रहने दिया। और अब इसकी आपको रूफ़ दिखाते हैं, तो ये तो भाई है ही बढ़िया, यहाँ क्या दिक्कत होगी, रूफ रेल्स वगैरह है यहाँ पर सब। तो गाड़ी के साथ आपको रिमोट कीस मिल जाती थी और रिमोट भी इसका बढ़िया वर्क कर रहा है। ये इसका लॉक और अनलॉक का बटन बढ़िया है एकदम, और फाइंड माई व्हीकल का भी है। और बाकी जो इसमें ऐसा फंक्शन है कि अगर कोई सा भी डोर ढंग से लॉक नहीं होता है और अपन गाड़ी लॉक कर दो तो गाड़ी आवाज़ करने लग जाती है, तो ये अपन डोर ओपन करके छोड़ देते हैं। ये अब कर देते हैं गाड़ी लॉक। तो भाई ये अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा क्या हमने अभी तक इसको रख रखा है। तो ये देखो भाई एकदम चकाचक रखा हुआ है अभी तक, कोई ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी 9 से 10 साल पुरानी है। और सीट कवर्स भी गाड़ी जब हमने ली थी जब से यही लगे हुए हैं, अभी तक बढ़िया है, लेदर का है, ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मेट भी स्टार्टिंग से यही लगी हुई है, पीछे भी अभी तक लगी हुई है। और रियर के सीट्स कवर्स भी बढ़िया है, एकदम क्लीन। और फ्रंट डोर की कंडीशन भी एक नंबर है, कुछ भी हो कालापन वगैरह नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन रखा हुआ है हमने। और अब आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये भी अभी तक प्रॉपर वर्क कर रहा है। और भाई गाड़ी तो हमने कम ही चलाई है, 66,000 ही चलाई है। और ये इसका स्टेयरिंग, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, उस समय तो भाई पावर स्टेयरिंग ही बहुत बड़ी बात होती थी। और ये कवर भी स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है और हॉर्न भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, एक भी बार हमने नहीं बदलाया है। और यहाँ ये पूरी वुडन फिनिश दे रखी है, यहाँ पर भाई कुछ बटन्स वर्क कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर भाई मानो या ना मानो ये घड़ी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एकदम परफेक्ट टाइम बताती है। तो भाई ये कर दिया मैंने AC ऑन, एक नंबर बढ़िया चलता है अभी भी। और ये बटन भी बढ़िया चलता है AC का, और हेजार्ड लैम्प का भी बढ़िया चलता है, और ये भी बढ़िया वर्क करता है। बाकी और हमने इसमें सोनी का प्लेयर लगा रखा है और यहाँ भी सब बढ़िया है। इसकी हेडलाइट चालू करके बताते हैं आपको, और ये हेजार्ड लैम्प भी चालू कर देते हैं। तो ये देखो भाई लाइट्स एकदम बढ़िया चल रही है, बस फॉग लैंप्स ही ख़राब हो गए हैं और एक लाइट पीली पड़ गई है। और ORVM पर जो इंडिकेटर्स है वो भी बढ़िया चल रहे हैं,
सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि भाई हमने गाड़ी मेंटेन अच्छी करी है। इसलिए भाई आप भी अपनी गाड़ी अच्छे से मेंटेन करके रखें। और आप देखते हैं इधर, तो रूफ लैम्प के एक बटन का प्लास्टिक निकल गया है, बाकी दो ही लाइट्स बढ़िया चल रही है, और ये लाइट भी बढ़िया चल रही है, और ये सनशेड, और ये को ड्राइवर का सनशेड, और यहाँ रियर के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट्स है। बाकी भाई इंटीरियर की कंडीशन तो हमने एक नंबर रख रखी है, टाइम टू टाइम हमने इसे क्लीन रखा है, अच्छा मेंटेन करा है, इसलिए भाई अभी भी इंटीरियर अपना चमकता है। कोई कहता ही नहीं भाई कि ये गाड़ी इतनी पुरानी है, ऐसा हमने इसे मेंटेन करके रख रखा है। और अब चलते हैं रियर में, तो रियर डोर भी भाई एकदम नीट एंड क्लीन है, जैसे जा रहे हैं तो ये भी हो गई सही। तो अब अंदर चलते हैं, और यहाँ भाई नीचे एसी वेंट है, और रूफ पर भी है, डबल डबल मज़ा। तो अब एसी चालू करते हैं, और यहाँ से भी ऑन करते हैं। आ हा हा भाई एक नंबर, ठंडी ठंडी हवा आती है, अच्छे तरीके से ये काम करता है। और इधर ये, और यहाँ का केबिन लैम्प तो भाई ख़राब हो गया है। और इधर हेडरेस्ट के यहाँ पर पिलो लगे हुए हैं, ये भी स्टार्टिंग से ही लगे हैं। बाकी रियर की ओवरऑल कंडीशन तो एकदम बढ़िया है, रूफ़ वगैरह भी एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये हमने अलग से पायोनियर की बेस ट्यूब लगा रखी है, पर ये तो अभी कुछ साल पहले ही हमने लगवाया है। इसका एम्पलीफायर यहाँ नीचे है सीट के। अभी भाई मेरे पास कोई और दूसरा मोबाइल नहीं है, और कुछ साधन भी नहीं है कि मैं गाने बजा के आपको बता सकूं। बाकी भाई आवाज़ तो ये एक नंबर करता है। तो अब चलते हैं थर्ड रो में, तो पुरानी सफारी में ऐसी कुछ सीट्स आती थी, आजकल तो भाई ऐसी सीट्स कम ही देखने में मिलती है। आजकल तो वो आ गई है फ्रंट फेसिंग सीट्स, और ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती है, तो ऐसे कुछ सीट्स फोल्ड हो जाती है। ज़्यादा सामान हो तो बढ़िया ऐसे फोल्ड कर लो, फिर आपको बूट स्पेस ही बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी भाई आप ये बताओ कि आपको कैसी सीट्स बढ़िया लगती है, एसी या फिर जो आजकल आती है वैसी। और ये इसका टेलगेट हॉरिजॉन्टली ओपन होता है, एकदम बढ़िया वाइड ओपनिंग है। और अब आप डोर का थंब सुनना, एकदम मजबूत है भाई, पुरानी गाड़ियों की तो बात ही अलग है, एकदम सॉलिड गाड़ी है ये, जोरदार सेफ्टी है इसकी, एकदम बढ़िया फील आता है इसके डोर क्लोज करने में। अरे भाई चाबी तो अंदर ही रह गई, इसे बाहर निकालते हैं। बाकी भाई नो डाउट आज के हिसाब से भी ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के मामले में एकदम तगड़ी है, एकदम सॉलिड मटेरियल है इसका। तो अब बोनट ओपन करते हैं और इंजन बताते हैं, तो बड़े ही आसानी से बोनट ओपन हो जाता है इसका, हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें दे रखा है। आजकल तो भाई इस सेगमेंट में ये हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही कम मिलता है। और ये इसका इंजन 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ये, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, बहुत ही पावरफुल इंजन है भाई ये। अभी गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं, क्या बात है, एक नंबर साउंड आता है भाई जब गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इसका इंजन तो भाई आवाज़ तगड़ी करता है, और ये इसकी बैटरी, ये तो भाई हमने बहुत बार चेंज करा ली है। तो भाई अब गाड़ी की रेस देंगे, फिर आपको इसका साउंड सुनाते हैं इंजन का। हाइट लगता है भाई कि हाँ किसी इंजन को भाई रेस दे रहे हैं, क्या मस्त साउंड आता है, एकदम तगड़ा। आ हा हा मज़ा आ गया। तो अब बंद कर देते हैं, और बोनट भी बड़े आराम से बंद हो जाता है, एक ही हाथ से कर दो भले ही। गाड़ी में दम तो भाई आज भी है, गाड़ी भाई आपको चलाकर भी दिखाते, पर अभी यार ये चारों तरफ ऐसे गड्ढे खुदे हुए हैं तो गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती, नहीं तो भाई गाड़ी से एक नंबर तगड़ी ऑफ रोडिंग करते। तो भाई ये थी अपनी टाटा सफारी। अब यार टाटा ने तो इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और भाई इसकी तो बात ही अलग थी, अब तो वो नया मॉडल आ गया है, पर वो तो इससे बिल्कुल ही अलग है। आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगता है भाई, अपना ये पुराना या नया वाला? मुझे तो भाई ये पुराना ही बेस्ट लगता है। बाकी भाई ये गाड़ी एकदम लेजेंडरी है, टाटा सफारी नाम ही काफ़ी है भाई। और अभी हमने गाड़ी गाँव पर रख रखी है, और हम लेने का सोच रहे हैं अभी महिंद्रा XUV700, वो गाड़ी भी भाई मुझे बहुत ही तगड़ी लगती है। तो देखते हैं हम वो अभी कब तक लेते हैं, उसमें वेटिंग तो यार भाई अभी बहुत ही चल रही है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।